अहम खबर आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर अलग ही घमासान छिड़ा हुआ। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के नाम का दावा ठोक दिया। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री पद के नाम पर कांग्रेस उनकी बात समझ नहीं पाती है। आगे उन्होंने कहा कि अगर राहुल पीएम बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे हैं, किसी का नाम लेना गुनाह है क्या? संजय राउत के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से जवाब आया है, जिसमें कहा गया है कि जिस नाम पर सहमति बनेगी वो मंजूर होगा। ये प्राइम मिनिस्टर पद का झगड़ा नहीं है, हम क्या बोलते हैं ये कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी देश के नेता है, अगर राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे इस देश में है, और ममता जी है, अखिलेश है, उद्धव ठाकरे जी है, और बहुत चेहरे है ना, खड़गे साहब है, तो किसी का नाम लेना गुनाह है क्या? साफ बात है कि जब हमारा बहुमत आएगा तो बैठ के इंडिया आघाड़ी के सांसद बैठ के अपना नेता चुन लेंगे, वो नेता कोई भी हो सकता है। अगर किसी को उम्मीद है तो कुछ पे कोई हर्ज नहीं है। नुकसान की बात है, देखिए एम्बिशन होना, जीतने का संभावना व्यक्त करना, इसमें कौन सी गलत बात है? और ये तो मैं समझता हूँ अधिकार जो है, जो चुने हुए सांसदों का अधिकार है, चुने हुए सांसद अपना नेता स्वयं चुनेंगे और जो भी चुनेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा, ये पहले भी हुआ है देश में। तो इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। उधर बीजेपी ने संजय राउत के बयान पर चुटकी ली है। बीजेपी नेता राम कदम ने तंज कसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए पीएम बनने का सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। उधर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि इंडिया गठबंधन में जिस पर सहमति बनेगी उसका नाम आगे रखा जाएगा। सर पीएम को लेकर आके बीच बीच में ऐसी बातें क्यों सामने आती है? उद्धव ठाकरे को लेकर नाम लिया, इलेक्शन होता है तो ऐसी बातें आती रहती है ना, लेकिन उसपे नहीं जाना चाहिए, जो बैठ के अग्री करते हैं उस पर जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने विधायक, सांसद, मंत्री, पार्षद इनको तक संभाल नहीं पाया, केवल जिसे अपने बेटे की और परिवार की चिंता है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार। ये बयान अपने आप में राहुल गांधी को नीचा दिखाने का भी प्रयास है। क्या राहुल गांधी को यह स्वीकार है?